शहरवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें, गंगा जल को लेकर शहरवासियों को अब रविवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बुलंदशहर से पालड़ाफाल से पानी छोड़ा जा चुका है, जो शुक्रवार देर रात या शनिवार सुबह तक सिकंदरा एवं जीवनी मंडी वाटर वर्क्स पहुँचेगा। एक तरफ शहर में तीन दिन तक पानी का संकट गहराने की खबर ने जहां शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी थी, वहीं अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर के पालड़ा फाल से पाइपलाइन में पानी छोड़ा जा चुका है, जिसकी शुक्रवार देर रात तक आगरा पहुंचने की उम्मीद है। गंगा जल शुक्रवार रात तक सिकंदरा एवं जीवनी मंडी वाटर वर्क्स पहुँचेगा, लेकिन फिर भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं जलकल विभाग कर चुका है। कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए जा चुके हैं, साथ ही विभागीय अधिकारियों के नंबर भी साझा किए गए हैं। बता दें, टिहरी झील में जलस्तर 10 घटने से आगरा में पानी का संकट अगले तीन दिनों तक बताया जा रहा था। बुलंदशहर के पालड़ा फाल से पाइपलाइन के जरिए आगरा को मिल रहा गंगा जल रविवार तक बेहद कम मात्रा में मिलने की उम्मीद थी। अपर गंगा कैनाल में गंगा जल की मात्रा एकाएक कम होने के कारण बुलंदशहर के पालड़ा फाल में पानी की कमी हो गई थी, जिसे समय रहते दूर कर लिया गया। पालड़ा से ही आगरा और मथुरा को 40 क्यूसेक गंगा जल कंड्यून पाइप के जरिए सिकंदरा और जीवनी मंडी वाटर वर्क्स को मिलता है, और वहां से वह पूरा पानी पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचता है। फिर भी यदि किन्हीं कारणों से गंगा जल न आ सके तो फोन करके जलकल विभाग का टैंकर मंगवा सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-270-2722 एवं कंट्रोल रूम नंबर 8192095401 जारी किया गया है। इसके अलावा जलकल विभाग के सहायक अभियंता आदित्य कुमार, अवर अभियंता विनीत चौधरी से भी संपर्क कर पेयजल के टैंकर मंगवाए जा सकते हैं। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।